आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट चीज क्या कराई थी? ऑयलर नहीं, ऑयलर। अच्छा, फंडास। आपने एक स्पेशल फंडा बताया था और यूलर लाइन के बाद। कोई बच्चा जरा लास्ट लेक्चर के नोट्स भेजिए जरा ग्रुप पर, मैं चेक करता हूँ कितना बताया। सर आपने स्पेशल फंडास तक बता दिया था कि वो कभी कभी सेंट्रल और इन सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल भी लाई करते हैं। हाँ सर, ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल के लिए। हेलो सर, एक मिनट भेजा, रुको। अच्छा, स्पेशल फंडा में ऑयलर लाइन बता चुका था मैं। स्पेशल फंडा में सेंट्रोइड इन सेंटर ऑलवेज इनसाइड, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और आउटसाइड और राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाइक करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाँ, स्पेशल फंडा में सेंट्रोइड लिख लो जल्दी से, वहीं से स्टार्ट। पहले पेजे। हेलो सर, कहिए। सर पहला पेज है। हाँ बेटा। ओके सर। आप लास्ट टाइम वाला भी लिखा रहे हो? हाँ, वो दोबारा लिखा रहा हूँ ताकि सेंट्रोइड एंड सेंटर आर ऑलवेज इनसाइड अ ट्रायंगल बट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कैन बी आउटसाइड। आउटसाइड होते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में और ऑन द साइड होते हैं राइट एंगल में। तो जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, याद करो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हैप्पी बर्थडे सर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जैसे ट्रायंगल एबीसी है, हैप्पी बर्थडे। तो बच्चों ये जो ए है ना, दिस ए इज, ये जो ए है इसमें ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है बच्चों? बड्डे बड्डे। ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है बच्चों? विच वन इज दी ऑर्थो सेंटर? ए पे से। ए। ए सो। सो वर्टेक्स ए। हाँ वर्टेक्स ए, दिस इज दी ऑर्थो सेंटर। और ये जो मिड पॉइंट होता है ना बच्चों साइड्स का, ये हाइपोटेन्यूज का, दिस मिड पॉइंट, दिस इज दी सर्कम सेंटर। ये लिख लीजिए फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द स्पेशल केस।
अच्छा बच्चों ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या स्पेशल केस होता है? सर सब एक ही होते हैं सर, सभी एक ही सेंटर सेंट्रोइड और ट्रायंगल कोइंसाइड करते हैं। हैज ऑल दीस फोर पॉइंट्स सेम, लिख लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेम होते हैं। सर इसका प्रूफ हम लोग आगे सीखेंगे। कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का कि इनसाइड राइट एंगल? और ये वैसे तो बच्चों क्लास 9 10th में करा होता है सब बच्चों ने, लेकिन अभी नहीं नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th 9 10th में पढ़ा होता है ना बच्चों ये सर्कम सेंटर होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा सब बच्चों कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन करो, सर सर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ऐसा पूछो आपको कुछ पूछ सर वो। हेलो सर, सर 501A में से आपने बोला था जितने आए उतने करो, सर आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितना कर सकते हम लोग, कितना परसेंट कर सकते अप्रोक्सीमेटली? 50% के आसपास कर लोगे? ओके सर। आप कितना कर पा रहे हो 50% में से? सर मैंने स्टार्ट नहीं किया, सर मैं स्टार्ट करूंगा सर। 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% अभी बाकी है ना, कुछ कुछ चीजें पढ़ानी बाकी है, पर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो होता जाएगा ऐसा है। मतलब इस वीक के एंड, इस वीक हमारा एक और लेक्चर है ना बच्चों? यस सर, यस सर। उस एक और लेक्चर को मिला के आई थिंक हम 1A काफी कुछ खत्म कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा इन चैप्टर बच्चों 1A से पहले मत करना, इन चैप्टर जो है गलती से वहां डली हुई है बुकलेट में, इन चैप्टर एक्चुअली 1A से बहुत ज्यादा टफ है। पहले आप 1A 1B भी करेंगे फिर इन चैप्टर पे आएंगे अपन। इस चैप्टर ये चैप्टर थोड़ा अलग है, इसमें ना इन चैप्टर एक्सरसाइजेस पहले नहीं करनी है। कोई बच्चा ये ना सोचे इन चैप्टर एक्सरसाइज पहले कर लेता हूँ, उसमें एक्सेस रोटेशन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो सिलेबस में ही नहीं है, तो उनको हमें 1A 1B वगैरह होने के बाद फिर उनको पकड़ना है, पहले मत करने लग जाना उस प्लीज उसको। पर एक्सेस रोटेशन वगैरह नहीं है सिलेबस में? एक्सिस रोटेशन बच्चों यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सिस रोटेशन दो टाइप का होता है, आई विल एक्सप्लेन। एक ऐसा होगा जिसका आप आराम से कर पाओगे, इजी है, पर एक ऐसा होगा इसमें इंक्लाइंड एक्सिस का एक्सिस रोटेशन होगा, वो वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। तो उसमें से मैं बताऊंगा आपको कितना पार्ट करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला एक्सिस रोटेशन सिलेबस में है। ओके सर, ठीक है। तो उसमें से कितना करना है, क्या चीज याद रखनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो तुरंत खुद मत चालू कर देना कि अरे मैं खुद ही कर लेता हूं उसको, रुको, टेक योर टाइम। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो जरा, कैसे प्रूव करते हैं बच्चों किसी भी पॉइंट को
सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कैसे प्रूव करेंगे? कॉमन पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ वो भी कर सकते हो। वैसे अगर ये बोला गया ये प्रूव करना है कि ये सर्कम सेंटर है, तो आप एक काम करो ना, डिस्टेंस निकाल लो इसका, इससे, इससे और इससे। अगर वो डिस्टेंस इक्वल आता है तो वो सर्कम सेंटर होगा। यस सर, आप डायग्राम बना के बताओ। यस सर, सर्कल का रेडियस इक्वल होगा भाई, अगर तीन पॉइंट है उनसे अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट होगा तो वही तो सर्कम सेंटर होता है, ताकि वो सर्कल बन जाएगा ना फिर। समझ रहे हो बेटा? यस सर। करो जल्दी से, तो शो कर दो ओरिजिन से इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। सर स्लोप से कर सकते हैं? स्लोप से कैसे करोगे? सर परपेंडिकुलर दिखा रहे। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल के करोगे? यस सर। हाँ वो कर सकते हो, पर वो लंबा पड़ेगा। देखो ये ज्यादा इजी पड़ेगा इस केस में। ओके सर। क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि ये आंसर है, तो जब आंसर ऑलरेडी गिवन है, बस प्रूव ही करना है या चेक करना है कि अपने को ये आंसर है, तो सीधा डिस्टेंसेस ही निकाल लो। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ सर, करके देखो जरा जनता। सर डिस्टेंसेस इक्वल है, उससे कैसे प्रूफ हो रहा है सर, वो नहीं समझा बेटा। सर्कम सेंटर क्या होता है? क्या होता था सर्कम सेंटर? सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन। हाँ लेकिन उससे एक और चीज भी होती थी ना, उससे एक सर्कल बनता था कि नहीं बनता था? हाँ सर, रेडियस ऑफ सर्कल, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। यस सर। तो इसका मतलब वो सर्कल का जो सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। अंडरस्टूड? तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट कैसे है सर? भाई तभी तो रेडियस बनेगा। हाँ हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया सर। यस सर। डन सर। डन, गुड। यस सर। प्रूफ वाला पार्ट हो गया, सबसे देखो जरा। सर प्रूफ वाला पार्ट हो गया? यस सर। गुड। अच्छा अब सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइड जी से डिनोट करते हैं ना, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला करेक्ट, 3 प्लस 4 प्लस इज दैट ओके बच्चों? सर h h निकालने के लिए sin 2 थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं पहली बात तो tan थीटा ही नहीं है हमारे पास, sin थीटा कहां से आ गया? यूक्लिड लाइन यूज कर। सर यूलर लाइन से हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। हम बच्चों ऑयलर लाइन यूज कर लेंगे। ऑयलर लाइन कहती थी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं जो रेशियो 2:1 होता है। याद आ रहा है? स्लोप से भी कर सकते हैं। यस सर। स्लोप वापस लेंथ ही पड़ेगा। तो जी पता है, ओ पता है, तो एच आ ही जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। अच्छा एक चीज सोचो, इस केस में तो सर्कम सेंटर ओरिजिन है ना, इस केस में सर्कम सेंटर ओरिजिन है ना, तो इस केस में, तो फॉर दिस केस अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन है
तो एच इज गोइंग टू बी थ्री जी डायरेक्टली, हाँ या ना बच्चों? सर तो समझ रहे बच्चों? हाँ सर। तो एच का आंसर डायरेक्टली, ये पार्ट नहीं समझा बेटा। अगर ओ ओरिजिन है ना, आपने प्रूव किया ना भी फर्स्ट पार्ट में, प्रूव दैट सर्कम सेंटर इज ओरिजिन। हाँ तो ओ इज ओरिजिन जीरो। हाँ सर समझा। तो एच का आंसर ये आ जाएगा। देखो सर, सर्कम सेंटर और ओरिजिन सेम कैसे है? वो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ना, देखो प्रूव दैट 0,0 सर्कम सेंटर। यस सर। आपने किया है फर्स्ट पार्ट? हाँ सर, लेकिन सर ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सेम है क्या इधर? सर्कम सेंटर ओरिजिन आया सर, ऑर्थो सेंटर वो जो सिंबल होता है ना, वो जो सिंबल होता है वो सर्कम सेंटर का होता है। अच्छा सर, यस सर, ये सर्कम सेंटर का सिंबल है, ये ऑर्थो सेंटर का नहीं है। अभी ओ के बीच में डॉट बनाया है, सर ये सर्कम सेंटर का है, एच है ऑर्थो सेंटर का। Is that okay, बच्चों? Can we proceed? आगे चलें? Wait, sir. क्या सब बच्चों को क्लैरिटी हुई? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लिख दीजिए। सर लिखना बाकी था सर, वो सर कॉपी नहीं हुआ। कर लो कॉपी कर लो। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके नाउ ये लिख लो, ये स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कहता है स्पेशल केस? इफ बाय चांस, ऐसा हर बार नहीं होगा, इफ बाय चांस सर्कम सेंटर इज ओरिजिन देन और देन एच इज इक्वल टू थ्री जी। याद रहेगा ये? यस सर। सबको देखा ना स्पेशल केस, ये क्वेश्चन ट्राई करो। Yes, sir.
डन सर आंसर आ गया। डन ये आंसर आएगा बच्चों। समीशन ऑफ कॉस अल्फा कॉमन समीशन ऑफ साइन अल्फा। करेक्ट। हो गया कैसे आया? देखो ये जो तीनों पॉइंट है ऐसे तुम नॉर्मली मेथड से मेहनत करने लग जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ये देखो ना ये जो तीनों पॉइंट है कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा कॉस गामा कॉमा साइन गामा एक बार ट्राई करके देखो शायद इनका सर्कम सेंटर ओरिजिन चेक करके देखो। सर वो तीनों एक सर्कल पे लाई करते हैं वो सर्कुलर मोशन में पड़ा है और इसका डिस्टेंस निकाल के देखो 0.0 से देखो सेम आ रहा है क्या? हाँ सर सेम है। क्या? यस सर सेम है। वन। वन आ रहा है ना? यस सर सेम वन आ रहा है। अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं h=3g। हो जाएगा? यस सर। बता देना जब मुझे आगे बढ़ना हो। डन सर। डन है? नो सर। दो मिनट रुक जा। सर आप वापस बता सकते हो क्या क्या बेटा तुमने ये प्रूव कर दिया कि ओरिजिन इसका सर्कम सेंटर है? यस सर। तो अगर ओरिजिन सर्कम सेंटर है तो तुम बोल ही सकते हो h=3g। जी कितना होगा इसका? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बाय 3। यस सर। यस सर हो जाएगा। हाँ बेटा जवाब दो। हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है आंसर हो गया। कोई बच्चा परेशान इससे? नो सर। सर लेकिन हाँ बोलो। सक लिख नहीं होता ये मतलब। हाँ ये बात हम इसलिए मैंने बच्चों आपको अलग से लिखवाया है कि जब भी ऑर्थो सेंटर वगैरह का क्वेश्चन निकालने को आए ना एक बार चेक कर लेना कि कहीं सर्कम सेंटर ओरिजिन तो नहीं है। कई बार सर्कम सेंटर ओरिजिन होता है हम फालतू में मेहनत करते रहते। देखो ये जो जब भी ऑर्थो सेंटर वगैरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो ये चेक किया करो कि सर्कम सेंटर 0.0 है कि नहीं है। अगर ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आ रहा है अच्छा नहीं है कोई बात नहीं फिर चेक करो कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल हुआ तो बहुत फायदा हो जाएगा क्योंकि वर्टेक्स ही हो जाएगा आंसर। हाँ या ना? नहीं है तो फिर चेक करो कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो फिर भाई नॉर्मल मेथड स्लोप वाला मेथड करना पड़ेगा। ये तरीका होगा। क्वेश्चन दो सर। स्लोप वाले का एग्जांपल दो ना सर। स्लोप वाले से कैसे? वही करते ना अगले क्वेश्चन पे चले ना इसीलिए पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर। स्टारों का एक एग्जांपल दे दो ना सर। एक मिनट। सर सारे का एक एग्जांपल दे दोगे? हाँ अगला क्वेश्चन वही तो पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं सर अभी तक कॉपी नहीं किया तो मैं क्या करूँ पेज ही नहीं पलट पा रहे। ओके डन डन। पेज पलट दें? यस सर। हाँ सर। चलो अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड
ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर फॉर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है फॉर ट्राइंगल फॉर्म बाय सब पहला हो गया, पहला हो गया, गुड। यस सर, सर उसका सर्कमसेंटर ओरिजिन है। अब ऐसा नहीं है कि अब वो चीज पहली बार में ऐसी लगती है कि यार ये क्लिक कैसे होगा, अब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आदमी को याद आ जाता है कि यार शायद ट्राई कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है। सर कोऑर्डिनेट से कैसा पहचानेंगे कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं? स्लोप निकालो, ये वाली स्लोप निकालो, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, अगर कोई सी भी दो दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर, ओके सर। बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सबसे? हाँ सर। गुड। नहीं सर, कैलकुलेट कर लो फर्स्ट वाले पार्ट में ऑर्थो सेंटर का क्या आंसर है और सर्कम सेंटर का। सर्कम सेंटर तो पता है, 0.0 0.0 चेक करके देखो, तीनों का डिस्टेंस 0.0 से सेम आता है। सर हाँ, सर डिस्टेंस 13 है। हाँ बोलो बेटा। सर कभी भी सर हम लोग सर डिस्टेंस निकालेंगे ना, सर इक्विलैटरल वगैरह चेक करना है तो सर उससे राइट एंगल भी चेक कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से? बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हां बच्चों फर्स्ट में प्रूव हो गया सर्कम सेंटर ओरिजिन है। यस सर। यस सर। अब जरा देखो। हां सर, एच देखो ये आ जाएगा, यस सर। बेसिकली याद रखना है, इफ बाय चांस सर्कम सेंटर इज ओरिजिन देन h इज इक्वल टू 3g, और ऐसा भी बोल सकते हैं ना h इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, करेक्ट? यस। ये वाले केस को याद रखना है, इट इज एन इंपॉर्टेंट केस, नोट कर लो इसको भी ध्यान से, अच्छे से नोट कर लो, h इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, समझ रहे हो ना, 3g की वजह से a प्लस b प्लस c हो गया, करेक्ट? यस सर। आराम से करो, पेशेंस से, कोई जल्दी नहीं हो गया सर, डन करो। हेलो सर। हाँ सर, हम पहचानेंगे को कैसे कि राइट एंगल हुआ तो कौन सी साइड
रहेगी? बताता हूँ, और तो सेंटर वही कौन सा रहेगा? ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है बच्चों बी पार्ट में? माइनस टू। माइनस टू। स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? वन बाय टू। सर एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? सिक्स बाय टू इज थ्री। और स्लोप ऑफ बी सी कितना आ रहा है? हाफ। हाँ, अब देखो ऑब्जर्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन आ गया, तो स्लोप ऑफ ए बी इनटू राइट एंगल की माइनस वन। दिस मस्ट इंप्लाई, दिस मींस कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? वर्टेक्स बी। दिस मींस ट्रायंगल ऐसा होगा, ये वर्टेक्स बी होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, ये ए होगा, ये सी होगा, तभी तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। तो कोई पूछे H का आंसर क्या है? H का वही आंसर है जो B है, कौन? 4.6। और सर्कमसेंटर का आंसर क्या है? सर्कमसेंटर का क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC व्हिच इज 7.5। वेरी गुड, 7.5। जल्दी से सी और डी कर लेते हैं। सर सी इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस? यस सर, इक्विलैटरल है। जब भी रूट थ्री वगैरह हो ना वर्टाइसेस में तो शक होना चाहिए कि इक्विलैटरल हो सकता है। रूट थ्री वगैरह अगर आए वर्टाइसेस में, एक काम करो इक्विलैटरल चेक करने के लिए ना तीनों डिस्टेंसेस निकाल लिया करो, ये डिस्टेंस डिस्टेंसेस निकालो तीनों। यस सर, टू आ रहा सर, टू। हाँ, तो H का आंसर क्या आएगा? ये H का आंसर है, जो सेंट्रोइड का आंसर है और वही O का आंसर है, सबका आंसर सेम आ जाएगा। सर ऐसा हर बार होगा कि रूट थ्री वर्टाइसेस में होगा तो इक्विलेटरल? क्या कह रहे हो? अगर वर्टाइसेस में रूट थ्री होगा तो हर बार इक्विलेटरल होगा? नहीं नहीं, मतलब हो सकता है, चांस है। ओके। सर डी वाले में स्लोप निकालने के बाद डी वाले में आप ऑब्जर्व करो कि कुछ नहीं हो रहा, कोई स्पेशल केस नहीं है डी।
सब बच्चे डी वाला क्वेश्चन कॉपी करो। कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं डी वाले क्वेश्चन। यस यस सर। अब डी वाले में देखो ना तो वो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल आता है, ना वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम आता है, ना वो इक्वेटर ट्रायंगल बनता है, स्केलिंग ट्रायंगल है सर। हां वो तो एकदम नॉर्मल वाला केस बन गया, वो तो कोई स्पेशल केस नहीं है। तो अब हमें सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हां इट डजंट मैटर वेदर एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, मतलब स्पेशल नहीं है। अब अगर स्पेशल नहीं है, स्पेशल नहीं है तो हमें प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा। सो कैन यू प्लीज गिव अस टाइम सो सम मोर टाइम सो। हां ले लो ना बेटा। सर आप 2 मिनट लास्ट पेज पे जा सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मुझे एक डाउट है कि सी वाले में हमने ऑर्थो सेंटर को सरकमफेरेंस के इक्वल इसलिए लिया क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके सर, थैंक यू। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग ना, ऑल्टीट्यूड निकालते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए। कितने ऑल्टीट्यूड निकालेंगे बच्चों? 3। 2। दो, दो से काम चल जाएगा क्योंकि तीसरा भी वहीं से पास करेगा ना, तो दो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो देखो कैसे होगा, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी पासिंग थ्रू है। करेक्ट करेक्ट, शाबाश। तो हम देखो सबसे पहले बीसी का स्लोप बताओ बच्चों, कितना आ रहा है स्लोप ऑफ बीसी? 8 - 2 = -3/2। वेरी नाइस। और स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? -1 - -1 - -1। इसका मतलब क्लियरली अगर ये डी है तो स्लोप ऑफ ए डी होगा 2/3। देखो बच्चों मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2/3, तो इनको मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। और अगर ये ई है तो स्लोप ऑफ सी ई 1 होगा। देखो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ताकि मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, -1 होगा। आया ना? देख लीजिए। यस सर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ ए डी इज, कौन सी फॉर्म लगाऊं? ए से पास कर रहा है, स्लोप पता है, कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? y - y1 = m(x - x1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट सर। वेरी नाइस। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सी इज y - 8 = 1 × x - 0। -8, -6। ठीक है, अब क्या करो इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना।
y की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल देते हैं, y is equal to, इससे आया y is equal to x plus 8, ऊपर वाले में डाल दो तो y जगह x plus 8 minus 4 is equal to 2 by 3 x minus 2 3x plus 12 x is minus 8 and y is x minus 8 आ रहा है पक्का बच्चों नहीं लग नहीं रहा गलत किया कितना आ रहा है minus 6 है सर y 8 आ रहा है और x 0 आ रहा नहीं यार सॉल्व करो ढंग से x minus 6 का रहा सर minus 8 comma minus 16 x minus 8 आ तो y minus 16 का हुआ 0 हुआ फिर x minus 16 और y minus 8 ओके ये आंसर बता रहे बच्चों पर इसमें हमें प्रॉपर मजदूरी करनी पड़ी जो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर सकते सर आपने जो फॉर्मूला दिया उससे भी कर सकते वो tan थीटा वाला यस सर वेरी गुड बच्चे अब देख tan थीटा वाले फॉर्मूले के लिए तेरे को ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का tan थीटा निकालना होगा समझ रहा है कैसे निकाल कैसे निकालेगा मुझे सर टू लाइन के बीच का स्लोप निकाल कर वेरी गुड tan इनवर्स अच्छा सर tan इनवर्स आ जाएगा वो नहीं रुको रुको इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा जरा समझने की कोशिश करो क्या हो रहा था ये इसका स्लोप यूज करके और इसका स्लोप यूज करके ये सोच रहा है इनके बीच का एंगल का tan निकाल बेटा याद करो वो एक्यूट एंगल देता है हमेशा मॉड लगता है उसमें याद आ रहा है मॉड लगता है तो हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअल एंगल आया है कि उसका उल्टा वाला पार्ट आया हो सकता है हाँ सर वही ऑब्ट्यूज भी हो सकता है ना फिर तू ट्रायंगल स्केच करेगा और देखेगा कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है फिर उस हिसाब से आंसर देगा तो थोड़ा सा हल्का सा इरिटेटिंग हो जाएगा हाँ मतलब थोड़ा सा स्केच करना पड़ेगा ट्रायंगल शेप क्या आएगा पड़ेगा कि तीनों एंगल एक्यूट है तो तीनों टेन थीटा जो आपने फॉर्मूले से निकाले वो सब अच्छे हैं वही है और अगर जो ऑब्ट्यूज वाला है तो उसका टेन थीटा नेगेटिव करना पड़ेगा जो आया है उससे समझ रहा है बेटा यस सर तो हम उससे बचते हुए यही बेटर है फिर अगर यही दिया हुआ है तो ये बेटर ही तरीका है ऑल्टीट्यूड निकालो सॉल्व कर लो ठीक है ना यस सर चलो एक काम करो नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं क्या बच्चों यस सर 2 मिनट सर सर वेट डांसर हो गए डन नेक्स्ट पेज पे चलो अब नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमें इसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालना है कैसे निकालेंगे एक तरीका तो ये कि ऑलरेडी ऑर्थो सेंटर आ गया सेंट्रोइड निकाल लो ऑयलर लाइन लगा लो आया ना यस सर एक तरीका तो यही है पर वो तरीका नहीं लगाते इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी है जब उसने सर्कम सेंटर मांगा हो तो ऑर्थो सेंटर पहले से पता हो राइट यस सर यस सर ये प्रॉपरली करते हैं लिखे पेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की ये हेल्प से करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं इसके बाद सर जी सर डोमेन डिस्कनेक्ट हो गया था सर आपने लास्ट में से उतना ही कराया जो मेथड आपने बोला था कि ऊपर पेंडिंग के लिए अल्टीट्यूड से कैसे ऑर्थो सेंटर निकाला फिर समझ में आया कैसे करते फिर सर थैंक यू सर
तो अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे। उसको सॉल्व करके आएगा तो ट्रायंगल के वर्टेक्सेस ले लेते हैं। क्या क्या वर्टेक्स हैं? 2, 4, 4, 2 और 0, 8। 2, 4, 4, 2, 0, 8। सर हेडिंग क्या डालना है? और तो अब हम सर्कम सेंटर निकाल रहे हैं बेटा, इसका वही क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है ना बेटा क्वेश्चन के। मैंने क्या क्या दिया था? ऑर्थो सेंटर भी दिया है और सर्कम सेंटर भी दिया ना। आपने ऑर्थो सेंटर तो निकाल लिया, सर्कम सेंटर निकाल। यस सर, यस। एक मेथड वन तो आपको बता ही दिया मैंने, आप लोगों ने समझ ही गए। हाँ सर सही है। मेथड वन क्या कहेगा? ऑयलर लाइन लगा लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आपने एच निकाल लिया है। हाँ या ना? यस। पर हम लोग क्यों नहीं कर रहे मेथड वन से? क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में हर बार हमें एच पता हो। सर इसमें हम मिड पॉइंट लगा के और वो पॉइंट से इक्वेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पहले ये मिड पॉइंट ढूंढते हैं। ये मिड पॉइंट बताओ बच्चों, डी कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है क्या डी? हाँ बच्चों, डी 2.5 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और यस सर, ई कितना आ रहा है? 3.3। वेरी गुड। अच्छा स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है ये भी देख लो जरा। -3/2। स्लोप ऑफ बीसी तो पिछले वाले सम से भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ पिछले वाले सम से ही ले रहे हैं। और स्लोप ऑफ एबी कितना आ रहा है? -1। तो स्लोप ऑफ ओडी कितना आएगा? 2/3। 2/3। और स्लोप ऑफ ओई कितना आएगा? 1/1। तो बस हो गया। अब हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या होगी? y-5 = 2/3 × x-2। देख लो जरा बच्चों, सही लिख लो। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ओई y-3 = 1 × x-3। अब क्या करना चाहिए बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर स्लोप क्या है? ओडी का स्लोप 2/3 कैसे आया बेटा? दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा ना। सर यस सर। सर 11.11। ओके 11.11। सर हाँ बेटा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी ओ निकालना है तो पहले एच निकाल लो इस मेथड से। अच्छा फिर लेंदी हो जाएगा सर, समझ गया सर। अब वो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि पहले एच निकलवा चुका है फिर ओ निकाल लेंगे तो चलेगा, फिर तो मजेदार है। लेकिन हम तो अलग से ही ट्रीट कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम में सेपरेटली आ जाता तो क्या करते? हाँ सर समझ गया सर। अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा इसका मतलब वो जो टेन थीटा वाले जो फॉर्म ने पढ़े थे हमने वो बेकार है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये करो
सर आपने डी और ई कैसे निकाला? मिड पॉइंट है ना बेटा डी बीसी। हाँ हाँ सर समझ गया। सेंट्रोइड का फाइव है ना? यस सर। सेंट्रोइड तो डायरेक्टली आ गया बच्चों। सही है ना? यस सर। अच्छा ऑर्थो सेंटर के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होंगे? ट्रायंगल के तीनों एंगल चाहिए होंगे। हाँ है ना? माइनस वन है सर। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे निकालूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई के बाद ओ गामा को उधर शिफ्ट कर देंगे। रुको रुको। हाँ भाई दो ही दिए हैं उसने, तीसरा कैसे निकालें? वो याद है बच्चों ट्रिगो वन में पढ़ा था एक ट्रायंगल के अंदर ये रिलेशन। tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c।
यस सर निकाल लो फैंसी इज वन एच का सर यस बेटा कौन आएगा सर आप प्लीज एक बार पीछे का पेज बता सकते हो ओके थैंक यू सर सर डन एच का वर्टेक्स ए इनटू टैन ऑफ ए याद आ रहा है ये फॉर्मूला यस सर ये एक्स वाला लगा रहे हैं वाई वाले की जरूरत ही नहीं कितना आ रहा है बच्चों आंसर जल्दी बताओ 8 प्लस 15 29 बाय 6 इज दैट ओके बच्चों यस सर सर एग्जाम्स में आंसर वेरीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक है क्या 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 बेटा सर ये आंसर जो आते हैं हमें कभी कभी एग्जाम में ढाई गड़बड़ में सर अगर हमें वेरीफाई करना रहेगा तो इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आंसर वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता यार टाइम ही नहीं मिलता है टाइम कहाँ होता है चलो ये तो बी पार्ट हो गया व्हाट अबाउट सी पार्ट बच्चों कॉपी कर लो बी पार्ट सर टैन सी को निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव और फिर टैन लेने को भाई और एक को दूसरा साइड शिफ्ट करके टैन लेना यस करेक्ट उसी से ये फॉर्मूला प्रूव होता है याद ही रख ले सर हाँ आपने सर सरकम सेंटर में क्या किया सॉरी सेंटर में सरकम सेंटर की सर सॉरी सेंट्रोइड में सेंट्रोइड तो बेटा तीनों एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री डायरेक्टली आ जाए अच्छा सर ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री होता है ना सॉरी सर कंफ्यूज हो गया था सर हेलो सर हेलो सर सर ऑर्थो सेंटर में डिराइव किया ना ऑर्थो सेंटर में अभी जो ये फॉर्मूला है ए टैन ए प्लस बी टैन बी प्लस सी टैन सी वो नया फॉर्मूला है ना हाँ बेटा फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले फॉर्मूला बनवाया था यस सर प्रूफ नहीं किया
प्रूव तो नहीं किया पर मैंने बताया तो था ना। हाँ सर बताया था। हाँ सर अब बच्चों सर्कम सेंटर के लिए क्या करेंगे? यूलर लाइन। यूलर लाइन हाँ यूलर लाइन तो लगा सकते हैं। मान लो यूलर लाइन नहीं लगाना तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ ये फॉर्मूला होता था ना याद करो। हाँ साइन थीटा को टैन टू थीटा से निकाल देंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब इस फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को साइन टू ए साइन टू बी और साइन टू सी चाहिए याद है? साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी कैसे निकालेंगे? तो साइन टू ए इज नथिंग बट टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है ना ये यूज करके निकाल लो कितना आ रहा है टू इंटू टू अपॉन वन प्लस फोर इट इज फोर बाई फाइव। ऐसे साइन टू भी निकाल लो टू टेन बी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बी डबल एंगल वाला। हाँ थ्री बाय फाइव and sin 2c one use कर लेंगे। yes sir other method वाले line भी हो सकता है कोई deny नहीं कर रहा हूँ पर ये भी note तो कर लो बच्चों इसकी तो जरूरत है। ठीक है डन आगे चले। यस सर एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पे। सर आंसर क्या था इसका? आंसर बच्चों ग्रुप पर पोस्ट कर दो। 61/12
बच्चों कुछ लोग आंसर 61 बाय 12 बता रहे हैं। यस सर 61 देखने का फ्री कह रहे हैं। सब ये बच्चे क्वेश्चन कॉपी कर लो पिंक वाला ताकि नेक्स्ट पेज भी जा सके। डन सर कर लिया। चले नेक्स्ट पेज पे। यस सर। ओके तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें उसने एक ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दिए और क्या बोल रहा है कि भाई इसका इन सेंटर निकालो। वर्टाइसेस क्या है 0, 0, 3, 4 एंड 5, 12। बच्चों बताओ इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता था। x1 + by1 + c1 + a + b + c। पहले इसमें याद बताओ स्मॉल a क्या होता था, कौन सी साइड होता था। राइट ट्रायंगल होगा BC 12 13 का। तो इन सेंटर इज ये फॉर्मूला होता था स्मॉल ए इंटू वर्टेक्स ए प्लस स्मॉल बी इंटू वर्टेक्स बी प्लस स्मॉल सी इंटू वर्टेक्स सी। पहले स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल लो। स्मॉल ए कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना 2 square plus √68 बी निकालो, बी शायद अच्छा आएगा। बी 13 और सेंटर का आंसर हुआ ए √68 × 0 + b 13 × 3 + c 5 × 5 64 by 18 + √68। On √68 + 13 + 5 39 + 25 = 64। करूँ या हो गया ना। यस हो गया सर। यस सर हो गया, हो गया। अच्छा एक चीज और सीख लो बच्चों, जरा वो बहुत क्रूशियल है, वो हुई नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स सेंटर आल्सो, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। सर ओनर की जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात। करेक्ट करेक्ट। हाँ देखो एक्स सेंटर बच्चों क्या होता है, देखो हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ऐसे सर्कल, एक सर्कल तो आप जानते ही जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है उसे क्या बोलते हो आप। इन सेंटर। इन सर्कल।
कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। ग्रेट, इसे हम इन सर्कल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी पता है, इन सेंटर का, इसके रेडियस का फॉर्मूला भी पता है, दोनों चीजें याद कर रखी है ना। यस सर। सर्कल भी होते हैं क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ सर? कुछ नहीं, रेडियस बोल रहा था। ओके अच्छा, लेकिन ऐसे सर्कल भी होते हैं जो पता है ट्राइंगल के बाहर होते हैं और जो एक्सटेंडेड साइड होती है ना इनको टच करते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्स सर्कल। ये वर्टेक्स अगर ए है, ये बी है, ये सी है, इसका जो सेंटर होता है ना उसे ऐसे आई ए करके डिनोट करते हैं, क्योंकि वर्टेक्स ए के सामने वाला है, और इसका नाम होता है एक्स सेंटर। इस वर्टेक्स एक्स सेंटर इज एक्स सेंटर। कितने एक्स सर्कल्स होंगे टोटल? तीन। देखो इधर भी होगा। नहीं बेटा तीन होंगे, ये देखो इधर भी होगा, तीसरा और ये रहा चौथा, सॉरी आई मीन तीसरा इधर है। टोटल सर्कल चार हैं, लेकिन एक्स सर्कल तीन है, इनमें से एक इन सर्कल है। सर चौथा क्यों नहीं? सर चौथा उधर भी नहीं बनेगा ना सर, छह बन सकते हैं ना। अच्छा अभी देखते हैं छह कौन सा बोल रहे हो, यहाँ तक ना तीनों साइड को टच करना है सर, दो को नहीं तीनों को। हाँ बताओ जो बोल रहा है कि सर एक और बना देते हैं, बताओ किधर बनाओगे? इधर बना रहे, ब्राउन कलर से बनाता हूँ। क्या ये तीनों साइड को टच कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ये नहीं है ना सर। एक ऐसा बनेगा जो ट्राइंगल को अपना अंदर, उसे सर्कल सर्कल बोलते हैं, वो किसी साइड को टच नहीं कर रहा है, वो सारे वर्टाइसेस से पास कर रहा है, सर्कल सर्कल बोलते हैं वाला। मतलब सर ये सर्कल एंगल के आर्म्स के अंदर आना चाहिए ना। हाँ ये आई बी है, इसका नाम है आई सी, तो लिख लो इनके, इनके भी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए बच्चों। आई ए का जो फॉर्मूला होता है ना बिल्कुल आई के फॉर्मूले से मैच करता है। आई के फॉर्मूले में ये होता है ना, स्मॉल ए इनटू वर्टेक्स ए, ऐसा होता है ना, यही था। यस सर। और इसका रेडियस जो होता था उसे स्मॉल आर बोलते थे, याद है, वो डेल्टा अपॉन एस होता था, याद आ रहा है? यस सर। ये पढ़ाया था ना बच्चों? यस सर। हाँ क्वेश्चन नहीं दिया पर फॉर्मूला तो लिखवाया था ना। यस सर। यस सर। तो आईए का आंसर भी एकदम सिमिलर होता है, ये देखो बिल्कुल एकदम सिमिलर, वही ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी अपॉन ए प्लस बी, उस पॉइंट का आंसर ही वही है। लोग बोलेंगे क्या फर्क आया, फर्क बस कितना होता है इसमें, इस स्मॉल ए के आगे इधर माइनस, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऐसे ही जो इसका रेडियस होगा ना, यहाँ पे एक रेडियस होगा, देखो ये वाला there will be this radius, इस सर्कल का जो रेडियस होगा इसे हम आर ए बोलते हैं। आर ए का फॉर्मूला भी बिल्कुल उससे सिमिलर ही होता है, डेल्टा अपॉन, बस छोटा सा डिफरेंस है, इस एस के बाद एक माइनस ए और, ये नोट कर लो। सिमिलरली अगर आई बी लिखना है किसी को, आई बी देखो, आई बी सब एकदम सेम फॉर्मूला होगा, ए ए बी बी सी सी अपॉन ए, सब वही रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा, बी के पहले माइनस वाला रहेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और कोई पूछे आर बी कैसा रहेगा, आर बी डेल्टा अपॉन क्या आएगा, एस माइनस बी, आई सी लिख के दिखाओ। ठीक है आगे माइनस जल्दी लिख दो, आईसीबी याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत क्रूशियल है। सर आज इसके ऊपर भी असाइनमेंट आने वाला है, एक और
हेलो सर, सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अब तक क्या क्या सिखाया 5 मिनट्स में। यार ये डायग्राम पूरा बता दिया मैंने 5 मिनट्स में, थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा तेरे को। ओके सर, और सर ये डायग्राम से क्या हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं, मतलब हमें ट्राइंगल को की तीनों साइड्स को टच करते हुए जो 4 सर्कल्स है उनके बारे में सीख रहे हैं, जिसमें से 1 ट्राइंगल के अंदर होता है और 3 ट्राइंगल के बाहर होता है। ओके सर। Done. Done. Noted. Yes, sir. तो एक काम करो, इसी ट्राइंगल का मैं अगर ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, फाइंड आई बी, आई बी निकाल दो। सर आप वो पेज पे जा सकते हैं, थोड़ा बाकी है। जनता एक बार कॉपी कर लो ढंग से, फिर आई बी निकाल दो। आईसी जो बच्चा पूछ रहा है कि आईसी का क्या आंसर है, सर आईसी का आंसर ये है बेटा। आईसी का आंसर ना ऐसा आ जाएगा। सर आईबी का आंसर -7.4 है क्या? सर आईबी का देखते हैं यार। इतना आसान आंसर कैसे आ गया? मुझे तो नहीं लग रहा इतना आसान आंसर आएगा। तो जो इतना अच्छा आंसर आ रहा है क्या आईबी का? हाँ सर। हाँ सर। ये नीचे वाला √68 वगैरह क्या हुआ? ये नीचे वाले √68 का क्या हुआ? हाँ भाई बच्चों। हाँ सर, वो नीचे वाला √68 भी हमने 0 पकड़ लिया इसलिए वो। सर -14/-8+√160। कोई नहीं, कोई नहीं। प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। आगे चल सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब कुछ
एक्सट्रीमली स्पेशल पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट कर लो, मतलब ये वैसे तो इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, पर कई बार क्या होता है ना कुछ बुक्स वगैरह अननेसेसरली इस चैप्टर में डाल देती हैं ये सब चीजें और क्वेश्चन दे देती हैं, तो अपने अपन नोट बना लेते हैं, लिख लो एक्सट्रीमली स्पेशल पॉइंट। पहला, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल lies on circumcircle। मतलब क्या कहानी है ऐसा सोचो, ये circumcircle है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, और ये देखो ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, ऑल्टीट्यूड से बनता है ना, सो दिस इज एच। अब पता है अगर हम एच की इमेज लेते हैं एच डैश बनता है इसकी इमेज, देखो कितना साइड बीसी के अबाउट हमने इमेज ले ली, कैन यू सी, यस सर, ऐसी एच की इमेज अगर मैं इस साइड के अबाउट भी ले लूं, इमेज ऐसी लेते ना, पढ़ाया ना इमेज बच्चों, यस सर, एच डबल डैश। और अगर किसी ने एच की इमेज लेट से इस साइड के अबाउट ले ली, किसी भी साइड के अबाउट ले लो, वो कहां पर जाके पहुंचेगी, लिख लो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड लाइज ऑन सर्कल। सर हमें कैसे पता कि वो इक्विडिस्टेंट है, क्या चीज इक्विडिस्टेंट है सर, वो लाइन ना, प्रूफ पूछ रहे हैं उसका, हाँ सर, हाँ सर, तो बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में करेंगे अभी नहीं। अच्छा ओके, मैंने बोला ना ये इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, लेकिन क्या है ना कई बार पता नहीं कुछ बुक्स वगैरह या कुछ असाइनमेंट वगैरह में मिल जाए तो आप परेशान हो जाए, उसके लिए करवा रहा हूँ। हाँ सर ओके सर, क्वेश्चन देखो, करो
सर रूट 41। देखो कैसे होगा बच्चों, हमें h पता है, h दिया है उसने 2.5, राइट। कितना दिया बच्चों h उसने, 2.5। और सर्कम सेंटर क्या है, 1.7। और ये लाइन एक y इक्वल टू x दे रखती है, तो आपको पता है y इक्वल टू x के अबाउट जब इसका इमेज लूंगा तो बनेगा 5.2, आया ना? यस सर। और 5.2 पक्का सर्कल के ऊपर लाई करेगा। हाँ सर। तो क्या अब हम लोग ये रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। नो यस सर। कर लेते हैं। सर आप वापस बता सकते हैं आपने क्या किया? बेटा हमने क्या किया, h का इमेज ले लिया y इक्वल टू x के अबाउट, तो हमने पढ़ा ना भी कि वो सर्कम सर्कल पे जाके लाई करेगा। हाँ यस सर, समझ गया। ठीक है, डन बच्चों? यस सर। चलो जी ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं।